हेलो, गुड मॉर्निंग। 10 अक्टूबर एक बार फिर मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया सेशन। किस कंपनी को अपने ब्रेन चिप इम्प्लांट का मानव परीक्षण शुरू करने के लिए USFDA से अनुमति मिल गई है? तो यह है न्यूरालिंक। एलन मस्क द्वारा स्थापित ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी न्यूरालिंक को अपने ब्रेन चिप इम्प्लांट का मानव परीक्षण शुरू करने के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अनुमति मिल गई। राज्यसभा सभापति द्वारा गठित उपाध्यक्षों के पैनल में कितने प्रतिशत महिला सांसद शामिल हैं? तो यह 50%। राज्यसभा के सभापति द्वारा स्थापित उपाध्यक्षों के पैनल में 50% महिला सांसद शामिल हैं। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन। ठीक है, इलावेनिल वलारिवन ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने हराया है, वो है फ्रांस की ओसियने मूलर। इनको मामूली अंतर से हराया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित महिला आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत क्या है? तो यह है 33%। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। प्रमुख एजेंसियों द्वारा कथित पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए कौन सा संगठन अपनी स्वयं की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च कर रहा है? तो यह है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकी देशों के लिए पक्षपातपूर्ण क्रेडिट मूल्यांकन के बारे में चिंताओं के जवाब में अफ्रीकी संघ ने अपनी स्वयं की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शुरू करने की योजना बनाई है। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों के योगदान को पहचानने और सम्मान देने के लिए 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया। विश्व मसाला कांग्रेस WSC का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये है नवी मुंबई। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई के वाशी में शुरू हुई। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभाग स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा व्यापार समूह और निर्यात मंचों की मदद से सावधानीपूर्वक किया जाता है। भारत को स्पाइस बाउल के नाम से भी जाना जाता है। रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह है नई दिल्ली। रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक 18 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। OECD के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के लिए संशोधित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? तो यह 6.3%। OECD ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6% के पहले अनुमान से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के विस्तार के लिए किसे मंजूरी दी गई है? तो यह है शशिधर जगदीशन को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के विस्तार के लिए मंजूरी मिल गई है। कौन सा हवाई अड्डा आकार और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है? तो यह है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये सऊदी अरब के दम में स्थित है और 776 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जो इसके 5 नगरों सहित लगभग न्यूयॉर्क शहर के आकार के बराबर है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाएगी? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की कि वह 21 साल से कम उम्र के लोगों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाएगी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने के बाद जल्द ही प्रतिबंध लागू होने की उम्मीद है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सहरण और ऋण सिंडिकेशन को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने IREDA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए सह उधार और ऋण सिंडिकेशन को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए 18 सितंबर 2023 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए 20 सितंबर 2023 को किस संगठन ने बेंगलुरु लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए 20 सितंबर 2023 को बेंगलुरु लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किस देश ने दक्षिण नातुना सागर में आसियान सदस्य देशों के लिए उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की? तो ये है इंडोनेशिया। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के कारण आसियान देशों ने इंडोनेशिया के दक्षिण नातुना सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी के बाद उसका क्या नाम है? तो यह है सेना के बहादुर नायक के सम्मान में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। कैप्टन तुषार महाजन भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान दिया। वह 9 पैरा स्पेशल फोर्सेज यूनिट का हिस्सा थे। 9 पैराशूट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। कैप्टन तुषार महाजन का जन्म 25 मई 1987 को उधमपुर जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था। गुजरात के तट पर खंबाल की खाड़ी में एकत्रित किए गए तलछट के नमूनों में कौन सी दुर्लभ धातु पाई गई है? तो यह है वेनेडियम। गुजरात के तट से दूर खंबात की खाड़ी में एकत्रित किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सहयोग से ग्रामीण युवाओं को डिजिटल कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किसने शुरू की? तो यह धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर स्किल्स ऑन व्हील पहल शुरू की। 19 सितंबर 2023 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अपना खुद का स्पोर्ट्स ब्रांड डेनिनी स्पोर्ट्स लॉन्च किया? तो यह है दीपक चाहर। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर ने 19 सितंबर 2023 को अपना नया स्पोर्ट्स ब्रांड D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया। यह ब्रांड एथलीट और फिटनेस उत्साही लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले अभिनव खेल उत्पाद प्रदान करने पर केंद्रित है। सितंबर 2023 में G77+ चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये है क्यूबा। G77 चीन शिखर सम्मेलन 20 सितंबर 2023 को हवाना क्यूबा में एक नई वैश्विक व्यवस्था के आह्वान के साथ संपन्न हुआ जो अधिक न्यायसंगत है। शिखर सम्मेलन में 134 विकासशील देशों के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समापन घोषणा में G77+ चीन नेताओं ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का आह्वान किया जो समानता, न्याय और एकजुटता के सिद्धांतों पर आधारित हो। कैसा लगा आपको ये 10 तारीख का सेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।